श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। समाज हित में कार्य करने वाले वॉरियर्स का बढ़ाया मनोबल। चित्रगुप्त समाज समिति द्वारा पंचशील स्थित डिस्पेंसरी स्टाफ एवं पंचशील के सफाई कर्मचारियों तथा चित्रांश समाज के युवा जो लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों तक भोजन के पैकेट वितरण कर रहे हैं, उनका पुष्प वर्षा कर एवं मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक डॉक्टर शुभ नारायण मीनावत ने डिस्पेंसरी के चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप शर्मा को साफा बांधा एवं पंचशील ए ब्लॉक के विकास समिति के अध्यक्ष MS भार्गव जी के माथुर एवं समिति के सचिव अतीश माथुर ने मेडिकल स्टाफ को एवं सफाई जमादार ओम प्रकाश चौहान एवं कर्मचारियों तथा चित्रांश युवा सेवकों को मोतियों की माला पहनाई। चित्रांश युवा सेवकों द्वारा अब तक हजारों जरूरतमंद परिवारों तक भोजन की सूखी सामग्री के पैकेट एवं अन्य सामान पहुंचाया गया है। समिति में निखिल माथुर, गौरव माथुर, ब्रिजेश माथुर, नरेश, जगदीश एवं मन्नू पिछले 40 दिनों से ये सेवाएं दे रहे हैं। समिति के सदस्य DP माथुर, नरेश माथुर, रतन माथुर, मनीष, सूरज नारायण, आनंद माथुर, प्रहलाद मीनावत ने सम्मानित होने वाले लोगों को अल्पाहार एवं मास्क के पैकेट प्रदान किए। सभी लोग जूझ रहे हैं। आज हमने हमारे कार्य सफाई कर्मचारी और चिकित्सा विभाग के हमारे डॉक्टर साहब वगैरह का सम्मान किया है। इसमें मैं कायस समाज के चित्र गुप्त जो बना हुआ है उनका बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे बुला करके इस सेवा के लिए उन्होंने प्रदान किया, मेरे द्वारा जो किया है सेवा में। क्या उद्देश्य है सर इस सम्मान का? क्या उद्देश्य सम्मान का? इस सम्मान का उद्देश्य इनका मान जो बढ़ रहा है, जो सफाई वाले कर्मचारी इस समय और डॉक्टर के कर्मचारी इस समय लड़ रहे हैं ये इस कोरोना की बीमारी से, इसके लिए इनको सम्मान किया गया। इस तरह ये सारी सेवा करते रहे हम लोगों की और हौसला बढ़े, हमारे लोगों को हौसला बढ़े। और जिस बीमारी जो हमारे चिकित्सा विभाग से यही है कि हमारे पंचशील के अंदर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पूरा ध्यान रख रखा है हमारे पंचशील के लिए। पंचशील में अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं फैली है जिससे कि हमारे पंचशील को कुछ हो। आपका नाम? मुनेश शंकर भार्गव, पंचशील विकास समिति। हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको सम्मानित करने के हिसाब से। इस क्रम में आज हमने जो खाद्य सामग्री बांटे थे उन बंधुओं को भी बुलाया, साथ के साथ हमने चिकित्सा कर्मी जो हमारे डिस्पेंसरी के अंदर हैं दिन रात जुटे हुए हैं, सबको अपनी निस्वार्थ सेवाएँ दे रहे हैं इस विपत्ति के टाइम पर बगैर जोखिम लिए हुए। साथ के साथ हमने सफाई कर्मचारी ओम प्रकाश जी चौहान और उनकी टीम लगभग 10-15 जने थे आज मेरे, उन सबका भी हमने हमारी समिति चित्रगुप्त समाज की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करा है कि ऐसी विपत्ति के टाइम पे जहाँ कोई बाहर निकलना नहीं चाहता आज के टाइम पे, ये लोग घर घर जा करके और सफाई व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं जिससे कि इस विषाणु को फैलने में रोका जा सके। किस तरह से सम्मान किया कर रहा है? जी सर, हमने सबको मालाएं पहनाई हैं, पुष्प वर्षा करी है और एक अल्पाहार का छोटा सा पैकेट बनाया था वो सबको हमने भेंट करा और भारत माता मास्क वितरित करें सबको। आपका नाम? अतीश माथुर, सेक्रेटरी श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति पंचशील। क्या कहना चाहोगे समाज साहब? जैसा कि विदित है कि कोरोना महामारी के जिस प्रकार से पांव पसारे हैं, उस दिन के प्रारंभ से ही काया समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई भी परिवार पंचशील क्षेत्र के अंदर वार्ड 58 के अंदर भूखा ना सोए, और इस मुहिम के चलते पूरे काया समाज ने दिल खोल के ये आशीर्वाद और सहयोग सबने दिया है। और लगातार उस दिन से ही, लॉकडाउन के प्रारंभ से ही, वर्तमान के अंदर भी निरंतर ये सेवा चालू है और हम लोग राशन के जो कच्ची सामग्री है वो दिन परिवारों के अंदर वितरित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके अंदर दिन रात लगी रहती है और ये सब कायस समाज के सहयोग से संभव है। आज कायस समाज द्वारा ही हमारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी बंधुओं को सम्मान किया गया, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और पंचशील ए ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं भार्गव साहब, उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस सम्मान के लायक समझा, कोटि-कोटि उनका अभिनंदन हम करते हैं। आज काया समाज द्वारा डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जिनको वर्तमान में इस धरती पर भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के सबकी सेवा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन सम्मान किया गया और कोरोना वॉरियर्स का आज सम्मान किया गया। हम और जितने भी सफाई कर्मी हैं जो निरंतर इस पीड़ा को उठा के सेवा कर रहे हैं, उनका भी काया समाज ने सम्मान किया। और जब तक ये लॉकडाउन और ये महामारी रहेगी, हम चित्रगुप्त भगवान से, हमारे जो आराध्य देव हैं उनसे ये कामना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बीमारी, ये महामारी यहाँ से जाए और आम जन को इससे राहत पहुँचे। पुनः हम सभी लोगों का जो सेवा दे रहे हैं अपनी, उनका आभार व्यक्त करते हैं।
आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश माथुर, पंचिल बी ब्लॉक, अजमेर से। वहीं दूसरी ओर पूज्य सिंधी पंचायत पंचिल नगर की ओर से पक्षियों के लिए भी घर घर परिंडे बांटे गए। संस्था ने 551 परिंडे बांटने का लक्ष्य लिया है। आज 21 परिंडे बांटे ताकि गर्मी में पक्षियों को पानी मिल सके। आज हमने सिंधु पंचायत की ओर से पंचिल डी ब्लॉक में 21 परिंडे बांटे हैं घर घर जाके। आप देख रहे हैं आजकल गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो बेचारे पशु पक्षी भी बेचारे प्यासे घूम रहे हैं तो, और उनको पानी की पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो आज हमने घर घर परिंडे बांटे और लोगों से भी अपील की कि आप इसमें पानी भर के रखें। और हम और मैं और अपील करना चाहूँगा लोगों से कि आप घर के बाहर परिंडे रखें, उसमें जल भर के रखें, थोड़ा पशुओं के लिए दाना रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी बेजुबान पक्षी हैं। ये भी आजकल लोगों का लॉकडाउन के द्वारा लोगों का निकलना कम हो पा रहा है, तो प्रॉपर उनको पानी चारा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो एक यही अपील करूँगा मैं कि आप थोड़ा सा घर के बाहर अपने परिंदे या पानी की टंकी भर के रखें, जानवर पशु पक्षी पानी पी सके, दाना खा सके। और सिंधु पंचायत की ओर से हमने 501 परिंदे बांटने का लक्ष्य रखा है, वो बांटेंगे हम घर घर जाके। आज हमने 21 परिंदे बांटे पंछी बी ब्लॉक में, इसके लिए धन्यवाद। आपका नाम? मुकेश आहूजा।